कि सब मुस्लिम हिंदू और राम मंदिर को छोड़ के कोई एक विषय पे बयान दे देता हम जाने की बीजेपी है। पवन भैया के वोट देके जीताई हाए लाला। कुशवाहा से तो बढ़िया है पवन सिंह, कुशवाहा से बढ़िया है, बढ़िया है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव भी आएंगे अपने कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट के लिए चिराग पासवान और कौन कौन आएंगे? तेजस्वी यादव आएंगे, तेजस्वी यादव, उनका यहाँ पे कोई वोट नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का जहाँ तक बात है कह रहा है परसों ने सोन में फेंका गया, पवन सिंह को वोट देना है एकदम। बस तो मात्र एक ही वोट है, एक ही वोट है, एक ही वोट है। अरे पूरा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए जनता का, एक कौम का वोट है युवा के लिए। और ये बहुत अच्छा चीज है, संकेत है कि युवा लोग के लिए पवन सिंह सामने है और जीतेंगे भारी बहुमत से, डंके की चोट पे। आज पावर स्टार कैसे कहते हैं लोग, बचपन से जो मेहनत किए हैं तो उसका रंग देखिए, और उपेंद्र कुशवाहा का देखिए, कभी भी जीत कर किसी के गाँव में नहीं जाते हैं। पवन सिंह जाति धर्म से ऊपर से उठकर काम कर रहे हैं, ऐसा है। इनके साथ सारे लोग जुटे हैं, ना कोई जात है ना कोई धर्म के लोग हैं। लोकसभा क्षेत्र के गोह विधानसभा में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि पवन सिंह को मात्र देखने के लिए और उनके चाहने वाले यहां पर कितने सारे लोग मौजूद हैं। डायरेक्ट जुड़ते हैं, समस्या पे बात किया जाएगा और पवन सिंह ही क्यों तमाम मुद्दे पे डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ते हैं। आइए देखिए, हमारे साथ काफी सीनियर लोग भी हैं। चाचा क्या नाम होगा? चुन्नू, चुन्नू। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह, क्या माहौल है अभी यहाँ का? यहाँ पवनमय, पवनमय, गो में भी पवनमय। क्यों नहीं, गो क्या अलग है क्या, देश से अलग है क्या गो? नहीं तो फिर क्या कह रहे हैं? उन्होंने ना घुमाई। अच्छा सर, अभी पवन सिंह आने वाले हैं यहाँ पर, उनके चाहने वालों को पता है कि लाखों में है, करोड़ों में है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। क्या लग रहा है काराकाट की जनता को, क्या उम्मीदें हैं पवन सिंह से? अच्छी उम्मीदें है, ये यंग लड़का है जो काम कर सके। उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग देख चुके, महाबली सिंह को देख चुके, उन लोग को भी हम लोगों ने ही सपोर्ट किया था लेकिन कोई बेनिफिट मिला नहीं। और पवन सिंह जाति धर्म से ऊपर से उठकर काम कर रहे हैं, ऐसा है। इनके साथ सारे लोग जुटे हैं, ना कोई जात है ना कोई धर्म के लोग हैं। क्या लगता है, जिस तरह से बिहार में जातीय समीकरण देखा जाता है, ध्वस्त हो रही है जाति, यहाँ जाति समीकरण ध्वस्त हो जाएगी? या पवन सिंह है, है। आपने एक रिजल्ट देखा होगा पूर्णिया का, पूर्णिया में ना कोई धर्म है चल रहा है, ना कोई जाति चल रही है, ना कोई दल चल रहा है, ओनली फॉर पप्पू यादव चल रहे हैं। एक एक लोकसभा क्षेत्र और है बाड़मेल जैसलमेर, रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी ना रविंद्र सिंह भाटी की जाति की संख्या ज्यादा है, उसके बाद भी वहाँ 36 कौम उनके साथ है। उसी तरह से काराकाट लोकसभा में 36 कौम पवन सिंह के साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे 100%। निर्दलीय प्रत्याशी है, बीजेपी के तमाम लोग आएंगे, आरजेडी, यहाँ पार्टी किसी की नहीं है, ना बीजेपी ना आरजेडी ना कोई पार्टियां नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई पार्टियां नहीं है, यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार है। तो पार्टी की बात करना ही बेईमानी है, पार्टी की बात आप नहीं कर सकते हो, यहाँ निर्दलीय की बात कर सकते हैं। तो काराकाट में जो आज तक नहीं हुआ होगा, रिकॉर्ड टूटेगा, यस रिकॉर्ड बीट होगी, रिकॉर्ड टूटेगा जी हाँ। क्या लगता है सर, जो अभी पवन सिंह यहाँ पर काराकाट निर्दलीय हैं, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा माहौल है, करोड़ों की जनता है उनके साथ। काराकाट से क्या उम्मीद कर रहे हैं पवन सिंह को लेकर? पवन सिंह जीतेंगे काराकाट से, पवन सिंह जीतेंगे, जीतेंगे हाँ निश्चित, डंके की चोट पे कह रहे हैं, एकदम डंके की चोट पे। एक तरफ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट है, दूसरी तरफ जहाँ पर इंडिया गठबंधन कैंडिडेट है, क्या लगता है? उससे हम लोग कोई मतलब नहीं, पवन सिंह से मतलब है। एक नारा पवन, एक नारा पवन सिंह, पवन सिंह। क्या माहौल सर? माहौल पवन सिंह के बन रहा है अभी, पवन सिंह का है। हाँ, ओनली फॉर पवन सिंह, पवन सिंह, ओनली फॉर पवन सिंह। हाँ, क्या उम्मीदें कर रहे हैं? उम्मीद कर रहा है कि भारी मतों से विजयी होंगे पवन सिंह। ठीक से, फिर से निश्चित कर लिया आप लोग? निश्चिंत। ये देखिए युवा साथी भी काफी मौजूद है, क्या माहौल है भाई साहब यहाँ? यहाँ सर काराकाट को इतना मतलब पब्लिसिटी मिल रहा है, इतना फेमस हो गया है, जिस काराकाट को कोई जानता तक नहीं था, 1.5 महीना पहले से यहाँ सारी नेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया जो भी है यहाँ पे आके बैठी हुई है। तो पवन सिंह का अलग तरह का हवा है और हम लोग अब इस बार जो है युवा का पसंदीदा सांसद जो है हम लोग चुनेंगे, वोट देंगे भी और टोटली दिलवाएंगे भी। एक तरफ ये कहा था जो युवा है वो वोटर आई कार्ड उनके पास नहीं है, पवन सिंह 16-17 साल की युवाओं के चाहते हैं, पर आप लोग
ऐसा नहीं है बिल्कुल, जो बोल रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल याद है। जो भीड़ पवन सिंह को देखने के लिए आती है, देख लीजिए ना कितने कितने लड़के लोग 16-17 साल के, जो जनसैलाब के लोग हैं, जो जनसैलाब चाचा बैठे हुए हैं, इनका 16-17 उम्र हो रहा है। जो जनसैलाब पवन सिंह को देखने के लिए आता है, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। युवाओं की पहली राय क्या है? हम लोग का बस वही है, देखिए पहला विकास है, विकास तो क्या लग रहा है कि अभी तक जो नहीं हुआ काराकाट क्षेत्र में वो पवन सिंह कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, पवन सिंह करके दिखाएंगे आप लोग। हाँ। देखिए भारी मत से जीतने वाले हैं पवन सिंह, भारी मत से जीतने वाले। पवन सिंह निर्दलीय हैं? हाँ निर्दलीय हैं, मगर भारी मत से जीतेंगे काराकाट क्षेत्र से। आप युवा कह रहे हैं कि भारी मतों से जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। जनता का वो समर्थन मिलेगा? हाँ पूरा मिलेगा, जनता का पूरा समर्थन है। हाँ बिल्कुल पूरा समर्थन है जनता का, और वो काराकाट क्षेत्र से जीतने वाले हैं, भारी मत से जीतेंगे, मेरा वादा है। क्या लग रहा है, क्या माहौल? जीतेंगे बिल्कुल जीतेंगे। हा? जीतेंगे, कोई जोड़ ना है उनका का, कोई जोड़ ना है, जीतेंगे एकदम, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, जी जाएंगे। पवन सिंह को लेकर युवा क्या सोच रहे हैं? युवा बहुत बढ़िया सोच रहा है, शिक्षा है भी, कुछ विकास हो बढ़िया, अच्छा युवा सोच रही है। उनका जो है बचपन से मेहनत कर रहे हैं, आज पावर स्टार कैसे कहते हैं लोग, बचपन से जो मेहनत किए हैं तो उसका रंग देखिए, और उपेंद्र कुशवाहा का देखिए, कभी भी जीत कर किसी के गांव में नहीं जाते हैं। जी उपेंद्र कुशवाहा कभी नजर भी आते हैं, दिखते भी है, पता नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है, कोई यहाँ पे आना भी तो चाहिए ना। ये के खून वाला पावर ही है, खत्म होगा, जबरन फैन है, पावर यहीं से शुरू है, खत्म, पावर दूसरे के कहां से जाएगा, पावर यहीं से शुरू है, खत्म, बाकी यहाँ कोई आने वाला ही नहीं। पवन सिंह बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, मेहनत करने वाले हैं पवन सिंह, बहुत मेहनत किए हैं, तभी आज इतना सीढ़ी पे चढ़ गए, ऊंचाई पे हैं अभी। क्या माहौल सर? माहौल पवन सिंह के ऊपर है, पवन सिंह, पवन सिंह कोई नहीं रोक सकता है। एक तरफ बीजेपी की कैंडिडेट भी है, ठीक है, लेकिन एक युवा फेस है, और युवा फेस को आना चाहिए राजनीति में, और राजनीति में युवा के लिए, और ये बहुत अच्छा चीज है, संकेत है कि युवा लोग के लिए पवन सिंह सामने है और जीतेंगे भारी बहुमत से। डंके की चोट पे यहाँ गो युवा कह रहे हैं पवन सिंह जीतेंगे, जीत रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि वो एक युवा है, और युवा को देख के देखिए सारे युवा ही है, और ये वोट कन्वर्ट होगा। हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए देखिए थोड़ा सीधे बात कर लेते, देखिए काफी युवा है, युवा लोगों से भी बात करना जरूरी है, इधर देखिए थोड़ा बात कर। क्या माहौल भाई? क्या पवन सिंह का लहर के बारे में क्या माहौल है? पवन सिंह का लहर को लेके, पवन सिंह का लहर देखिए भैया, कुछ हम इस तरीके से उसका बयान करना चाहेंगे पवन सिंह के लहर के बारे में, कि पवन सिंह का लहर इस तरीके से चढ़ा हुआ है कि हम लोग 12 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, आई नासवा तड़ आ गया है, कह रहा है कि पवन सिंह को वोट देना है, नासवा एकरा में खूनवा में बह रहा है, कह रहा है कि पवन सिंह को वोट देना है एकदम। तो मात्र एक ही वोट है, एक ही वोट है, एक ही वोट है, अरे पूरा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए जनता का, एक कौम का वोट है, एक कौम का, एक कौम जिस कौम से वो है उनका 2.5 लाख का वोट है, ठीक है। उसके बाद बात कीजिए, पवन सिंह सिर्फ एक कौम के वोट से नहीं ना जीतेंगे, पवन सिंह वोट तो नहीं जीतेंगे, बताते हैं आपको, पवन सिंह को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि किस जात को वो नहीं दे रहे उसको वोट, ये बताइए आप। आप यहाँ के हैं स्थानीय, आप बताइए क्या माहौल है? बता तो रहा है यहाँ पे जितनी भी जनता है सारे पवन सिंह के सपोर्ट में है, सारे ये युवा शादी जितने देख रहे हैं सब, जितने भी है, जितने भी, उपेंद्र कुशवाहा जहाँ तक बात है कह रहा है उन्हें सोन में फेंका गया, अब उसको दारू पी के उलट गया, अब उसका कोई कुछ नहीं है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी तो कर्जा में करके चल गया जी, आपको कर्जा में चल गया आपको करके, अभी से आएंगे कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को वोट दीजिए, पहले हम उसको कहेंगे ना कि सब मुस्लिम हिंदू और राम मंदिर को छोड़ के कोई एक विषय पे बयान दे देता हम जाने की बीजेपी है, राम मंदिर ये सब छोड़ के, ठीक है। और दूसरा चीज जनता को वो आप ये क्या बोलते हैं इसको कि जनता को अपना ये दिखाए कि हम ये पैसा किस चीज में खर्च किए। चिराग पासवान तेजस्वी यादव भी आएंगे अपने कैंडिडेट के लिए चिराग पासवान और कौन आएंगे? तेजस्वी यादव आएंगे, तेजस्वी यादव, उनका यहाँ पे कोई वोट नहीं है, नहीं है कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं है, मतलब यहाँ पर मोदी का जलवा नहीं चलने वाला, चलने वाला है भाई, भैया नहीं भैया, कौन चलेगा? पवन सिंह, पवन सिंह, पवन सिंह, आप भी कह रहे हैं पवन सिंह, पवन सिंह,
पवन सिंह का लहर चल रहा है, पवन सिंह जी का वोट मिलेगा। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि पवन सिंह जीत गए, किस आधार पे कह रहे हैं? कुशवाहा से तो बढ़िया है पवन सिंह, कुशवाहा से बढ़िया है, बढ़िया है। पता भी है कि चुनाव लड़ रहा है उपेंद्र कुशवाहा, है कि पता है कि मेरा कहां कहां क्षेत्र है, ये है उसको है पूरा कि मेरा काराकाट में गो भी मेरा क्षेत्र है, उसको ये पता है। यही पता नहीं है, नहीं पता। आप लोग काफी यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है उससे नाराज लग रहे हैं, पवन सिंह के? पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा जानते नहीं है, नहीं जानते, नहीं जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा। हम लोग निर्दलीय पार्टी से हैं, पवन सिंह के साथ हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी, हम लोग का कोई पार्टी नहीं है, हम लोग का पवन, पवन सिंह, पवन सिंह, पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। ये देखिए लगातार ये पवन सिंह के ना वोट ना गवैया हो भैया बहना, अरे अपा ना वोट ना गवैया हो तू भाई बहना, अब पवन भैया के वोट देके जीतई है लाला, पवन भैया के वोट देके जीतई है लाला, अब काराकाट के हुलिया तोर बदल दे तुन भैया हो, अब की तू वोट दिहा पवन भैया के लाला। देखिए और गाना इस पे बनाएंगे, अभी हम तो बनाएंगे, काफी प्रेरित हुए हैं। वैसे आप काराकाट गो के हैं तो आपकी क्या राय जरूर कमेंट कर बताइए। लगातार हमारे साथ मैं हूँ, आप सभी देख रहे हैं लगातार हेडलाइन भारत, जय हिंद जय बिहार।